प्रेम और प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम। और वो प्रेम आसमान से नहीं आता ना, वो तो आप सत्संग में गुरु द्वारा, गुरु के वचन द्वारा आपको प्रेम समझ में आता है, क्योंकि पूरी दुनिया अब तक अपने बारे में ही सोचती है, अपना ही हमको ख्याल है। पर इस अपने ख्याल से मैं अपना कार्य भी पूरा करूँ, मेरा हर कार्य राइट भी होवे, पर इस ख्याल से मैं मुक्ति भी पाऊँ, वो कैसे होगा? तो उसका रहस्य कहाँ पे मिलेगा बताओ? कहाँ छुपाए ये रहस्य बोलो? ये तो ज्ञान में ही छुपाए है ना। तो जितना हम ज्ञान सुनेंगे, हमको अंदर ही अंदर अपने परेशानियों से ऊपर उठने का रास्ता भी मिलता है, परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है, अपना स्वरूप का दर्शन भी मिलता है, एंड ऑफकोर्स फिर तो खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है ना। तो मेरा मैसेज है प्रेम, मोह माया से। ये देखो, ये ना जब तक हमको बात समझ में नहीं आती ना, अधपकी बात में हर साधु, हर संत, हर सत्संग बोलता है मोह माया ही सबसे खराब चीज है। द पॉइंट इज हमको लॉजिक समझना है कि मोह क्या है और ये माया क्या है। अगेन, ये आसमान की बातें नहीं है, ये अंदर से। तो ये मोह क्या है, ये आसक्ति क्या है ना। तो उसको समझना, जब तक आपने सच को नहीं कैच करा, नहीं पकड़ा, तो ये मोह से कैसे छूटोगे? मैं बोलती हूँ, आप प्यार करना क्यों छोड़ते हो? आप बोलते हो मेरा एक बेटा है, मेरे को उसी से प्यार करना है। मैं बोलती हूँ, उसी प्यार को आप एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकते? क्या हम इतने सीमित हैं? हमारा दिल और दिमाग क्या इतना छोटा है कि हम इतना प्यार ही नहीं कर सकते हैं? पूरा सागर है ना हमारे अंदर। तो वही प्यार जो मैं एक के साथ करता हूँ, मैं क्यों नहीं सबके साथ कर सकता हूँ? क्योंकि हमने अपनी दुनिया दिमाग में इतनी छोटी करके रखी है, सो सेल्फिश, सो स्वार्थी, इतनी छोटी करके रखी है। हमको लगता है मैं बंदे से प्यार कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये तो बंदा है। पर जहाँ मेरे को अंदर में मेरी नज़र उस नूर पे जाती है, वो खुदा पे जाती है, उस आत्म पे जाती है, तो कहाँ बंदा दिखाई देगा? कहाँ बंदा, कहाँ बंदी? मेरा मतलब है सिर्फ प्रेम से, मेरा मतलब है सिर्फ विश्वास से, और विश्वास ही मेरी जीत का एक रहस्य है। विश्वास ही मेरे जीत का रहस्य है। अगर बेटे से प्यार है तो सारे संसार के बेटे कौन है? अगर एक ही आत्मा है तो खाली उस आत्मा से ही मैं प्यार क्यों? अगर मुझे फिक्र ही करना है तो खाली एक या दो या चार की ही मैं फिक्र क्यों करूं? फिक्र करूं ही क्यों? जब वो बैठा है हर जगह, जिसने जो बनाया वो आप ही उसका ख्याल रखेगा ना। तो मन में विश्वास ज्ञान द्वारा हमारे जीवन को आरामदायक बना सकता है। सो ये मोह और ये माया का हमको गहराई से समझना है, खाली शब्द नहीं है ना ये, इसको हमको समझना है। और मुक्ति मोह माया की बात नहीं है, मुक्ति है समझ का विषय। समझोगे तो मुक्ति तो है ही है। हम किससे मुक्त होना चाह रहे हैं? किससे, आप बताओ, किससे मुक्त होंगे? शरीर से, जन्म से किससे मुक्त होना है? हम ये मन के वहमों से, विकारों से ही तो मुक्ति पाना चाहते हैं ना। जब ये विकार का मालूम पड़ गया तो ना मोह मेरे को तंग करेगा, ना माया मेरे को तंग करेगी, क्योंकि सब जगह मेरे को क्या दिखाई देता है? जो मैंने अंदर देखा वही तो मैं दर्शन सब जगह करूँगा, तो कौन मेरे को पकड़ में आएगा? ये तो खाली फितरत है, फालतू का मेरा मन का ख्याल है। तो ये मोह माया को समझना है। बात है, सत्संग सुनो, एकदम से आप बोलोगे ध्यान लगाओ तो कैसे लगाएंगे? बच्चा भी स्कूल जाता है, वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो एकदम से एमबीए क्लास में नहीं जाता है ना। आप उसको डिसिप्लिन करते हो ना, धीरे 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 करके, फिर वो उस क्लास को, उस सेक्शन को, उस पढ़ाई को वो समझ सकता है कि नहीं। ऐसे एकदम से मैं आपको बोलूँ संत जी बैठ जाओ चलो ध्यान लगाते हैं, कैसे लगाओगे? कौन से मन से लगाओगे? उस मन को तो आपने इक्विप्ड किया ही नहीं। एकदम से मैं आपको बोल दूं चलो जी हम लोग बॉर्डर लाइन में जाके हम लोग एक युद्ध जीत के आते हैं, कैसे जीतोगे? ना ट्रेनिंग करी आपने, ना इक्विपमेंट्स है आपके पास, ना वेपन्स है आपके पास। तो मन को भी हमको एक दिशा दिखानी होती है। ज्ञान से उसके अंदर में कई बातों का खुलासा लाना पड़ता है। मन में बहुत शक्ति है, जिस मन के अंदर डिस्ट्रैक्शन की शक्ति है उसी मन के अंदर फोकस की भी बहुत शक्ति है। और वो शक्ति को जगाने वाला कोई पड़ोसी नहीं है, कोई बाहर वाला नहीं है, आप ही हो। तो ऐसे क्लास में बैठो ना जहाँ आपको फोकस की आपको है कि मैं सीखूं, मैं ध्यान लगाऊं, मैं कैसे लगाऊं, किस पे ध्यान लगाएंगे? मन तो इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, तेजी से भागता है, तो उसकी आप दिशा कराओ ना कि वो भागे। आप घोड़े से बोलो कि घोड़ा तो बैठा रहे और मैं घोड़े का सुख लूं, तो घोड़े का तो सुख किस में है? उसकी दौड़ में है ना, उसमें ही आप उसका सुख ले सकते हो ना। तो मन की भी दौड़ किस ओर होए वो आपके हाथ में है। एकदम से आप बोलोगे ध्यान लगाओ तो उसी टाइम मन आपको हर जगह भगाएगा,
हर जगह बताएगा, लेकिन मन के अंदर ध्यान दो अगेन गुरु की वाणी से, सत्संग से, ज्ञान से। मन की दौड़ की दिशा बदलाओ, अपने विकार की ओर मन को लेके जाओ, उस विकार से उठने की क्षमता उसमें क्रिएट करो। अंदर में नो प्रिटेंडिंग, अंदर में विकार और मन कहाँ वास करता है उस पर ध्यान। धीरे 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 ये मन इतना हमारा सारथी बन जाएगा कि उसको आप बोलोगे कि बेटा अब तू अपने आत्म पर ध्यान दे, तू शरीर को देख, तू मन को देख, तू कौन है, तू इसको देख। तो आपने क्या किया, मन की दिशा अपनी ओर लेके गए, है ना। मेडिटेशन इज नथिंग बट डीप अंडरस्टैंडिंग, मेडिटेशन इज नथिंग बट डीप अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट अबाउट शटिंग डाउन योर इंस्ट्रूमेंट। आप अपने दिमाग के इंस्ट्रूमेंट को बोलो मैं ध्यान लगा रहा हूं तो चुपचाप बैठ जाओ, तो बैठेगा ही नहीं। उसको मालिक ने चुपचाप बिठाने के लिए बनाया ही नहीं। आप उसकी पोटेंशियल को हाईएस्ट की ओर लेके जाओ ना तो वो साथ देगा। मेडिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू कॉल इट, ये सत्संग है। इंटरनल इंसाइट के नाम पे वी आर ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर। और मेरा मैसेज है ये, एक्चुअली मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर घट को शांति प्रदान कर सकूं, ज्योत से ज्योत जगा सकूं। यही मेरा एकमात्र मिशन है ऑन दिस प्लैनेट। जो सुख मुझको मिला है ज्ञान द्वारा, जो आनंद और शांति का अनुभव मैं हर सेकंड करती हूँ, मुझे लगता है हर इंसान को इसका हक है और वो ही मेरी सेवा है। इंटरनल इंसाइट इज नेम। ईश्वर को कैसे ढूंढा जा सकता है? आपके अंदर। और जब आपको अपने अंदर मालूम पड़ जाता है तो आपको सब जगह दिखाई देता है। ईश्वर कोई पदार्थ नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई बंदा नहीं, वो तो सत्ता है, वो तो रोशनी है, वो तो फाउंडेशन है हर चीज का, है ना। तो अगेन जितना आपको संग मिलता है उस गुरु का जो इस बात तक पहुंच चुकी है, एज द कंपनी सो द कलर, इसलिए बहुत जरूरी है सत का संग। एक तो बाहर से हम बोलते हैं सत्संग, फिर अपने अंदर सत का संग क्यों बोलते हैं, है ना। तो एज द कंपनी सो द कलर। ईश्वर को कैसा ढूंढा जाए, उनका संग करो जिसने ढूंढ लिया, उनका संग करो जिसने जान लिया, जिसने ऑलरेडी जान लिया तो वो आपको भी जगाएगा, वो आपको भी जनाएगा, है ना। विवेकानंद गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास और बोला कि आप मेरे को बताओ कि आप मुझे दिखा सकते हो भगवान, क्योंकि वो हर जगह भटक रहे थे, विवेकानंद हर जगह भटक रहे थे, उनको मिल ही नहीं रहा था और सब बोलते थे और उसके इस क्वेश्चन से ना ऐसे पिंड छुड़ा के भागते थे, नो प्रीस्ट नो पंडित नो बडी कुड हेल्प। तो जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उन्होंने ये सवाल पूछा ही नहीं, खत्म भी नहीं किया, और रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोला हाँ बिल्कुल एकदम अभी। तो बोला क्या आपने क्या बोला, आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? बोला अरे दिखा सकता हूँ, एहसास करा सकता हूँ, अनुभव करा सकता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे तुम मुझको देख रहे हो मैं तुमको ईश्वर दिखा सकता हूँ। एंड दैट इज इट, तथास्तु, दैट इज व्हाट हैपेंड। तो कहाँ देखा उन्होंने ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एक स्थूल रूप में आपको दिख ही नहीं सकता है, झूठ है तो दिखेगा कैसे, है ना। उनका अंदर में अनुभव कराया, सत का दर्शन अंदर ही है एंड दैट इज व्हाट गेट्स मैनिफेस्टेड एवरीवेयर एल्स। अभी बोला एज अ कंपनी सो द कलर, गुरु के संग से। गुरु के बगैर ठोर नहीं संत, ठोर नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान तो हमेशा है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सत्संग से पहले भी हम सबके लिए भगवान तो था, निराकार रूप में भी था, रूप में भी था, जो भी था। पर क्या मेरे अंदर वो ज्योत लगी उस टाइम? क्या मैं परेशानियों से मुक्त हो सका? क्या मैं बुरी हालतों से बच सका? नहीं ना। पर जब गुरु मिलते हैं, सच्चा गुरु, वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु, वो मुझको चहु ओर से जगाते हैं, चहु ओर का ज्ञान देते हैं। मेरे अंदर में मन के सारी जो इनकॉम्पिटेंसीज होती हैं, मतलब छोटी छोटी जगहों पे मैं स्लिप होता हूँ, मेरे अंदर में कई वॉइड होती हैं, खोखलापन होता है, तो वो मेरा गुरु ज्ञान द्वारा उसको भरता जाता है, वो गुरु ज्ञान द्वारा। तो गुरु बहुत जरूरी है एंड दैट टू सतगुरु। हाँ बिल्कुल, है ना। कोई ना कोई ताकत, पर वो आपसे अलग नहीं है, वो ताकत तो है ना, आप साफ देख रहे हो। आप रोटी खाते हो तो खून बनता जा रहा है, कैसे? आपने तो रोटी खाई, खून कहाँ से बना भाई?
प्राण चल रहे हैं, और मैंने कई बार सत्संग में भी बोला है हमारे एयर में कितनी गैसेस हैं, पर कैसे खाली ऑक्सीजन ये आराम से ले पाता है। इतनी अनगिनत यहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं ना सृष्टि में, प्रकृति में। तो वो शक्ति नहीं है, शक्ति ही तो है, आप और मैं नहीं है, वो शक्ति ही है, अंदर बाहर एक वो शक्ति ही है। कहते हैं कि जनता को ये बोलूंगी कि जितना हो सके प्लीज सच्चे गुरु के दरबार में शरण लें, सत्संग में आए, ज्ञान सुने, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, बस इससे पीछे ना हटें, क्योंकि कुछ भी अगर बनता है तो ज्ञान द्वारा ही बनेगा, प्रेम द्वारा ही बनेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं।